ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महोदय अशोक जी गहलोत, इतने पुराने नेता हैं, तीन तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन इस बार जिस तरह के हम लोगों को पूर्व अंदर गलत आरोप लगा रहे हैं, इससे हमें बड़ा दुख हुआ, बड़े खेद हुआ। न तो हमने कांग्रेस छोड़ी है और न हमने कभी बीजेपी से संपर्क किया गया है। हम पिछले 1.5 साल के अंदर उनकी कार्य प्रणाली से व्यथित होकर, जिस तरह से उन्होंने हमारी उपेक्षा की है, उससे नाराज होकर हमारी पार्टी के विधायक हाईकमान के सामने अपनी व्यथा रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और हम लंबे समय से दिल्ली रुके हुए हैं। अभी आज भी मीडिया में उनको द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए कि हमको कैद किया गया है बीजेपी के द्वारा, जबकि हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ है, हमारे बाउंसर लगाए गए हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। बल्कि उल्टा जिस तरह का उन्होंने एसीडी का प्रयोग किया गया है, एसओजी का प्रयोग किया गया है, उनके इस रवैये से हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले भयभीत हैं, उनको डर लग रहा है और किस तरह की प्रजातंत्र के अंदर वो हरकतें हमारे खिलाफ कर रहे हैं, जो हम कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस हम परिवार वाले हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जिस तरह की उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनको इसमें अति शीघ्र चेंज करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, इससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, जबकि हमारे इस तरह की कोई बात है नहीं। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि वास्तव में वो कांग्रेस के हितैषी हैं, यदि वो चाहते हैं कि इतना लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में सफर तय किया है, अपना जीवन व्यतीत किया गया है, तीन तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्यों उस सीट के वो चिपक के बैठे, उनको कांग्रेस की एकता के लिए उस सीट को छोड़ दे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।